यार मेरे फ्यूचर के आने वाले वीडियोस देखने के लिए प्लीज उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओ, तो आगे से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। सो हे गाइस, दिस इज अमित अथरवाल। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद स्पेशली साइंस के लिए आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस या कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था यार, तो मुझे खुद काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज मिले जो कि मुझे अब 12th में, जब मैं 12th में था, मुझे नहीं पता था कि ये सारे कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट आज तक नहीं पता था कि मतलब हम 12th में ये सब कुछ ऑप्ट कर सकते थे, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए यार, बट कुछ कोर्सेज यहाँ पे ऐसे भी हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले, जो मतलब आप डिपेंड नहीं करता कि आप आर्ट्स से हो या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, बट आप वो कर सकते हो। बाकी मैं इन दोनों स्ट्रीम्स के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यार ये पूरी एक मैं सीरीज शुरू करूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं हर जितने भी ये इंजीनियरिंग कोर्स, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री वाले, अंडर ग्रेजुएशन वाले, उन सब पे मैं इलैबोरेट करूंगा। ये सिर्फ एक इंडेक्स वाला है, जैसे एक बुक होती है उसमें इंडेक्स होते हैं कि भाई इसमें ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बस वही बताऊंगा कि 12th के बाद आपके पास ये करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर की जो डिटेल हो गई उनके पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई 12th में, जैसे नॉन मेडिकल वाले स्ट्रीम में, अगर आप बीएससी करते हो फिजिक्स के थ्रू, ठीक है, तो आपके पास 15 से 20 करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। सिर्फ वो नहीं होता कि आप सिर्फ रिसर्च कर सकते हो, बाद में एमएससी या फिर पीएचडी वगैरह करके लेक्चरर बन जाओ। इनके अलावा भी 15-20 और प्रोफेशंस होते हैं जो कि आप बीएससी फिजिक्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर बीएससी के लिए बेस्ट कॉलेज, फिजिक्स के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो होंगी इनके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा जो कि इसी सीरीज में आगे ऐड होते जाएंगे। ये सिर्फ एक इंडेक्स वीडियो है जहाँ पे आपको बस मैं बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा। अब एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा यार कि एक तो होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्रीज, और एक होती हैं जनरल डिग्रीज, ठीक है। अब जैसे कि बीएससी वगैरह हो गए, मैं अभी आपको प्रॉपर एक मैनर में बताऊंगा, बट कुछ चीजें आपके ध्यान में शुरुआत में डाल देता हूँ। बीएससी एक जनरल डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, MBBS एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। तो मार्केट में, सोसाइटी में एक प्रोफेशनल डिग्री एक तो एक्सपेंसिव होती है, प्लस साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो इनकम आती है, जो मतलब सैलरी वगैरह होती है, वो भी एक जनरल डिग्री से ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी कंपनी होगी वो चाहती है कि मैं जो अपना कोई भी लूँ एम्प्लॉय, वो एक प्रोफेशनल डिग्री से हो बजाय एक जनरल डिग्री लेके आया हो, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज, अब ऑब्वियसली जनरल डिग्री आपकी सस्ती पड़ेगी, आपका ग्रेजुएशन का कोर्स सस्ता पड़ेगा, बट आपको फिर प्लेसमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे उतनी कम मिलेंगी। तो अब शुरुआत करते हैं यार 12th में आपका तीन, मैंने बेसिकली वीडियो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। नॉन मेडिकल की आपके कौन सी स्ट्रीम्स हों, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, मेडिकल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, और गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी आप कर सकते हो सीधा 12th के बाद, जिनमें अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, तो नॉन मेडिकल में अगर शुरुआत करें, सबसे पहले आता है हमारा इंजीनियरिंग, ठीक है, सबको पता है। अगर आपको IIT, NIITs, बिट्स पिलानी, NSIIT, DTU, IIITs, ठीक है, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आपके मणिपाल, VIT, वेलोर, SRM यूनिवर्सिटी, RVC कॉलेज, और भी मतलब सैकड़ों कॉलेज हैं। अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है और आपका मतलब जो आपका एम है वो ये है कि भाई मुझे सिविल इंजीनियर बनना है या केमिकल इंजीनियर बनना है या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, या मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है, अगर आपका ये सब इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करो। आप सब लोग जानते ही होंगे, इंजीनियरिंग पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपका मान लो ये आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के लिए यार आपको JEE मेंस का पेपर वन देना पड़ता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए आपको JEE मेंस का पेपर वन देना पड़ता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके अंदर इसी से एडमिशन हो जाता है। फिर बाकी बिटसेट का भी एग्जामिनेशन होता है, कॉमेट की ये भी एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका खुद के एग्जाम होते हैं, जैसे मणिपाल वगैरह के उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, IIT यूनिवर्सिटी का खुद का एग्जाम होता है। तो ऐसे काफी एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें BArch की, तो ये 5 साल का कोर्स होता है यार हमारा, ठीक है, और ये आपका JEE मेंस का पेपर 2 जो होता है उसके बेसिस पे, जो आपकी रैंकिंग आती है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है कॉलेजेस में। सभी कॉलेजेस ये प्रोवाइड नहीं कराते, कुछ कॉलेजेस ही कराते हैं, ठीक है, और कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके
अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं जिनके थ्रू आप बी आर्किटेक्चर में जा सकते हो। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट वो है कि भाई मैं इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर जो बिल्डिंग के आर्किटेक्चर वगैरह हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है तो ठीक है, और अच्छा करियर ऑप्शन है, अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, इंजीनियरिंग में भी अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है, ठीक है, आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स है। फिर ईसी में मतलब ऐसे धीरे धीरे स्ट्रीम्स नीचे होती जाती हैं, बाकी यार फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, बट कोई भी काम हो अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आप इसमें अच्छा करते हो, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, और वो सेम काम करते हैं, ठीक है, मतलब सारे के सारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बट एक मैकेनिकल इंजीनियर सबसे अच्छा है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर बहुत कमाएगा, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हो, आप एक एडिटर हो, आप एक राइटर हो, ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट हो या फिर आप एक कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप अपनी जो स्ट्रीम है उसमें अगर आप बेस्ट हो तो पैसे भर भर के आएंगे, ठीक है। तो उस जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट आपको देखना है, ठीक है, आपको वैसे भी देखना है कि भाई पैसा कहाँ पे है, पर आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है, और दोनों चीजें मिला के एक बढ़िया करियर ऑप्शन आप अपने लिए चूज कर सकते हो। थर्ड है यार आपका बीबीए, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, और ये आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी दे सकते हैं, इसे कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हैं, इसे साइंस के बच्चे भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अकेले बीबीए से आपको मार्केट में आज के दिन कुछ नहीं मिलेगा, बीबीए के बाद आपको 2 साल का एमबीए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि लोग पहले बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग में जाके बीटेक करते हैं, उसके बाद 2 साल नौकरी करते हैं, फिर अपने एमबीए करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे एमबीबीएस के बाद भी कुछ लोग एमबीए करते हैं, ठीक है। पर मान लो जो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो एमबीए कैसे करें, तो वो पहले बीबीए कर सकते हैं, उसके बाद अपना बीबीए एमबीए ऑप्ट कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आपके पास काफी सारी जॉब, मतलब जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, ठीक है, आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, आप एचआर मैनेजर बन सकते हो, ये ठीक है, ये बहुत सारी में से कुछ हैं जो कि आपको इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, बैंक वगैरह में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। अब मान लो आपका होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, अब होटल मैनेजमेंट एक इंडिया में ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इंडिया में होटल्स बहुत सारे हैं, बट उनमें जैसे जो मतलब प्रॉपर एक कोर्स करके आए हों, जो क्वालिफाइड जो काम करने वाले लोग हैं वहां पे, वो बहुत कम है, ठीक है। और तो अगर आपको वो इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को यार शेफ वगैरह बनना है या फिर मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, मेरे को ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना है, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, और 4 साल का कोर्स होता है यार ये, और ये सेक्टर थोड़ा स्टेबिलिटी के मामले में ऊपर नीचे ज्यादा रहता है डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, मतलब अगर नोटबंदी भी तो ठीक है भाई, होटल में लोग जाना बंद कम हो जाएंगे तो आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी, ठीक है, इस टाइप की चीजें हैं। बाकी अगर आप इसमें अच्छा करते हो, आपका अच्छी जगह पे है, तो आप काफी पैसे भी यहां से कमा सकते हो, ठीक है। तो हाउसकीपिंग वगैरह ये सब चीजें भी हैं इसके अंदर, काफी सारी जॉब्स आ रही हैं, पर वो मैं इन पे फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, हॉज पॉज हो जाएगा। उसके बाद मान लो आपको लॉयर बनना है, ठीक है, तो लॉयर बनने के लिए 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आप या तो क्लैट का एग्जाम दे दो, ठीक है, CLAT, तो क्लैट का जब आप एग्जाम दोगे तो ये 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, और आपका NLU वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हो। फिर NLU क्या है, NLU एक यूनिवर्सिटी है, जैसे इंजीनियरिंग में IIT एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही NLU लॉयर्स के लिए एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बाकी आप DU से LLB भी दे सकते हो, ठीक है। अब LLB और क्लैट में क्या फर्क है, क्लैट है आपका 5 साल का और LLB है आपका 3 साल का कोर्स, ठीक है। क्लैट आप 12th के बाद दे सकते हो, LLB आप 12th के बाद नहीं दे सकते, आपको पहले एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपको पहले एक डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप LLB दे सकते हो DU में, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेटेड डिग्री होती है LLB के केस में, कि भाई आपने BSc प्लस LLB कर लिया, या फिर आपने BCom प्लस LLB कर लिया, ठीक है, या फिर आपने BBA प्लस LLB कर लिया, ठीक है, तो ऐसे होता है, और क्लैट आप सीधा दे सकते हो, तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यार जो ऑप्शन है वो है BSc का, ठीक है, ये आपकी एक जनरल डिग्री होती है, और आपको किसी में भी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और भी काफी सारी चीजें हैं, मतलब जहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह भी हैं, और भी काफी सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप BSc कर सकते हो, ठीक है। और BSc के बाद यार अकेला BSc से कुछ नहीं होता, आपको काफी सारे जॉब्स मिल जाएंगे,
बट उतनी अच्छी मतलब अप्रिशिएबल मतलब सैलरी नहीं होगी। और मान लो आपको लेक्चरर बनना है या फिर कुछ प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो उसके लिए फिर आपको बाद में एमएससी और पीएचडी वगैरह भी करनी पड़ेगी। एमएससी आपकी बाद में 2 साल की होगी, उसके बाद पीएचडी, तो फिर समझ रहे हो। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरीज पता चल गई बीएससी की। बाकी इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा यार, ठीक है, कि जैसे बीएससी फिजिक्स में आपकी कितनी जॉब्स हैं, 15-20 जॉब्स होती हैं जो कि आप कर सकते हो बीएससी के बाद एमएससी करके या फिर सीधा बीएससी करके, उन सब पे बनाऊंगा। बीएससी केमिस्ट्री के बाद एक अलग स्पेक्ट्रम की जॉब्स होती हैं, सिर्फ रिसर्च और टीचर ही नहीं होते जो आप बन सकते हो, ठीक है। मैथ्स के बाद एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा बट आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। अब उसके बाद यार एनडीए, ठीक है, तो आप में से काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है भाई एनडीए में जाएं, तो एनडीए यार आप एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और आपकी एयरफोर्स, ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो तो तीनों स्ट्रीम में से कोई भी बच्चे जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी, कॉमर्स के भी और साइंस के भी। पर जो इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है, यहाँ पे आपको जाने के लिए आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए, अगर वो है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या पे ग्रेड मिलती है, आपको पैसे कैसे मिलते हैं, इसका एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम होता है वो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या पूछते हैं, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट ये एक अच्छी रेप्यूटेटेड, ठीक है, एनडीए काफी रेप्यूटेटेड माना जाता है। अब और बातें करें तो यार ये मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, तो ये सारे नॉन मेडिकल के नीचे ही आते हैं। कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो यार, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग मतलब काफी एक्सपेंसिव पड़ती है और ये आप तभी करना है, मतलब अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो काफी अच्छा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा है, तभी आप कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग कर पाओगे, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों तक आपका यहाँ पे खर्चा पड़ जाता है। पर एक बार जॉब मिल जाए तो इसका, इसमें यार आपको मैं वैसे वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बाकी आप एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट, ठीक है, तो व्लॉग चैनल है, तो उनमें से एक व्लॉग में वो बेसिकली जिस बंदे का चैनल है वो खुद एक पायलट है, कमर्शियल पायलट है, तो उसने अपने एक व्लॉग में बता भी रखा है कि कमर्शियल पायलट के लिए आपको क्या क्या एग्जाम वगैरह देने पड़ते हैं, इनके हर साल मेडिकल होते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये फिट है या नहीं है, काफी चीजें हैं। मैं खुद वीडियो बना दूंगा बट अगर आपको अभी कुछ जानना है उस बारे में तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, उन्होंने ठीक है एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। फिर अगर आपको मान लो मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर डिग्री ले सकते हो, मतलब आपको मीडिया में जाना है या फिर आप जर्नलिज्म, एडिटर, राइटर, रेडियो जॉकी, ठीक है, तो ये सारी चीजें यार काफी अच्छी हैं और किसी का इंटरेस्ट है, मान लो कोई बोलने में बहुत अच्छा है, वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, और रेडियो जॉकी बन सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है, ये कोई भी प्रोफेशन है ना यार, ये छोटा नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छे हो तो सारे प्रोफेशन बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आप नर्सिंग कर सकते हो यार, नर्सिंग के कोर्सेज आप 12वीं के बाद, या तो आप सीधा पूरा बैचलर का कोर्स कर सकते हो 4 साल का, ठीक है, फिर वरना उसके अलावा और भी होते हैं, GNM होता है, ANM होता है, GNM होता है कि आपका डिप्लोमा होता है आपका जनरल नर्सिंग में 3.5 साल का, उसके बाद आपका ANM होता है, डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग, ठीक है, ये आपका 2 साल का होता है। अब ये होती क्या है, जनरल नर्सिंग क्या होती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग क्या होती है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, बट अभी आपके पास ऑप्शन है एक नर्सिंग का, इतना आप जानो। उसके बाद यार फैशन डिजाइनिंग का, ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग का काफी लड़कियों को शौक होता है, ठीक है, लड़कों को भी होता है बट लड़कियों को ज्यादा शौक होता है, तो जैसे यहाँ पे निफ्ट कॉलेज होता है, ये अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज माना जाता है फैशन डिजाइनिंग में, इसका अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो और इसके अंदर काफी चीजें यार, सिर्फ कपड़ा सिलना नहीं होता फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, इसमें फैशन डिजाइनिंग होती है, फिर इसमें टेक्निकल की भी होती है, इसमें लेदर वगैरह आगे काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप कर सकते हो वहां पे। अब आगे आते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको बाद में कवर कर दूंगा कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद यार इवेंट मैनेजमेंट में मतलब जैसे शादी वगैरह हो गई, ठीक है, तो जैसे बड़ी शादियां होती हैं, ठीक है, तो वहां पे इवेंट मैनेज करना होता है आपको, 1000-2000 लोग आ रहे होते हैं या फिर कोई कॉन्सर्ट हो गया भाई, कोई स्टार वगैरह आ रहा है किसी जगह पे, ठीक है, और 2000-3000 लोग इकट्ठा होंगे, तो इस तरह के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए होती हैं, तो इस पे कोर्सेज बने हुए हैं, ठीक है, काफी कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप कैबिन क्रू बन सकते हो यार, या फिर एयर होस्टेसेस वगैरह हैं, इनके भी कोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि आप सीधा 12th के बाद कर सकते हो। इनमें अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या होता है आगे, मतलब आपको क्या सीधा 12वीं के बाद जा सकते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा बट आने वाले वीडियोस में। अभी बस आप ये जानो कि
ट्वेल्थ के बाद आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने, हाँ एक चीज रह गई यार, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया यार ये ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ग्रो कर रहा है, और अगर आप अच्छे हो इस फील्ड में, ठीक है, अगर आप कोई भी मूवी वगैरह देखोगे यार तो 3D या फिर VFX effects, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं आजकल, और इसका काफी मतलब मार्केट है, और अगर आप अच्छे हो इस सेक्टर में तो आपको डेफिनेटली आप अच्छा यहाँ से ले सकते हो। अब अगर हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करें यार, तो मेडिकल स्ट्रीम में, ठीक है, काफी लंबे कोर्सेज होते हैं, जो ड्यूरेशन है कोर्सेज की वो बहुत लंबी है, 5-5, 5.5 साल। अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तो एक स्किन स्पेशलिस्ट बनने से पहले उसको 10-10.5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। कैसे? उसको पहले 5-5.5 साल का MBBS करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो 3 साल का MS करेगा, उसके बाद वो 2 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स करता है, और ऐसे 10.5 साल के कोर्स के बाद वो एक अपना कोई क्लिनिक खोलता है, पर उसके बाद, ठीक है, वो अंधे पैसे कमाते हैं, ठीक है, वो उनके पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जाते हैं, बट उसके बाद जो मतलब लाखों में उनकी अर्निंग होती है। तो इंटरेस्ट है आपको, मतलब ठीक है, कौन कितना पढ़ना चाहता है। तो यार MBBS के बाद आप MS कर सकते हो, MD कर सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो, डिप्लोमा 2 साल का होगा आपका, MS आपकी 3 साल की होगी, या फिर आप CMS का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विस। अब जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गई या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह हो गई, यहाँ पे भी मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, तो उन पोस्ट के लिए CMS का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद आप मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है, आप MTech भी कर सकते हो, आप MBBS के बाद MTech भी कर सकते हो किसी IIT में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम में। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं यार MBBS के बाद। फिर MBBS के जस्ट बाद BDS को माना जाता है, ठीक है, BDS होते हैं आपके जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये 4 साल का कोर्स होता है, MBBS आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, और BDS को कहीं से भी कम मत समझना यार, आजकल डेंटिस्ट इतना कमा रहे हैं, पूछो मत, सबके दांत खराब हो रहे हैं आजकल। तो BDS के बाद यार आप फिर MDS कर सकते हो, ठीक है। तो 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आपकी 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। अब MBBS और एक चीज बताना चाहता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा पॉज लो। जैसे इंजीनियरिंग है और जो मेडिकल है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में हम क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं और प्राइवेट कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं है। अगर एक दो को हटा दिया जाए, जैसे बिट्स पिलानी और मणिपाल वगैरह, इन सबको हटा दिया जाए, तो यही माना जाता है कि भाई इंजीनियरिंग में अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग में होता क्या है यार कि आपने 4 साल का कोर्स किया, उसके बाद जो कंपनीज होती हैं वो रेप्यूटेटेड कॉलेजेस में जाती हैं, और रेप्यूटेटेड कॉलेज कौन है, सिर्फ सरकारी कॉलेज और 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, तो कंपनियां वहां पे ज्यादा जाती हैं, और 4 साल के बाद बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस वहां पे अच्छे हैं। बट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है यार कि इनकी जो कोर्स है MBBS, जैसे जो भी है, MBBS हो गया, BDS हो गया, उसके बाद इन्हें प्लेसमेंट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, इनके पास कोई कंपनी नहीं आती है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या प्राइवेट से करो, डेफिनेटली गवर्नमेंट बेटर है प्राइवेट से, बहुत सेंस में, यहाँ पे पैसे बहुत कम लगते हैं, प्लस गवर्नमेंट का नाम तो है ही ज्यादा, एम्स वगैरह ऑब्वियसली बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज से अच्छा है। बट पॉइंट ये है कि मेडिकल में प्राइवेट कॉलेज गंदे नहीं होते, जैसे इंजीनियरिंग में गंदे होते हैं, उनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि मतलब 5-5.5 साल MBBS करने के बाद वो कितना, जब अपना बाद में क्लिनिक खोलता है तो वो कितना चलता है उसका क्लिनिक, उस पर डिपेंड करता है, उसके कॉलेज पे उतना डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर आप MBBS एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो यार आपका 40-50 लाख तक का खर्चा आ सकता है, ठीक है, और अगर आप वहीं BDS करते हो तो यार आपका वही 15-20 लाख का खर्चा आता है, तो आपका MBBS BDS से 2-3 गुना महंगा है। अगर वहीं आप सरकारी कॉलेज से करोगे यार एम्स वगैरह में, तो जैसे फीस 0 है, बस कुछ हॉस्टल फीस लगती है उनकी 2-3 महीने में, वो भी बहुत मिनिमल है, ठीक है, तो प्राइवेट में काफी महंगा है आपका। बाकी कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं प्राइवेट में वो सब मैं आपको बता दूंगा, मैंने लिख भी लिए थे यार, बट वो इस फिर वीडियो में लंबे हो जाते हैं, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में उन्हें कवर करूंगा, ठीक है यार। फिर होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, ठीक है, आयुर्वेदिक का आजकल ये चल रहा है कि इंडिया में लोग कम पसंद कर रहे हैं आयुर्वेदिक को, लोग चाहते हैं कि बस एक इमीडिएट उन्हें कोई मेडिसिन मिले और वो ठीक हो जाए। आयुर्वेदिक का इंडिया में क्रेज कम हो रहा है, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो वेस्ट के लोग हैं उनमें क्रेज ज्यादा हो रहा है आयुर्वेदिक का, ठीक है, तो वो बात है कि घर की चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है, बाहर वाली चीज अच्छी लगती है, सेम उनका चल रहा है कि वो आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा इस टाइप का है ये यहाँ का। वेटरनरी आपका यार जानवरों का हो गया,
ठीक है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी बोलते हैं। फिर बीपीटी हो गया यार, बैचलर ऑफ आपका साइक फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं यार, मान लो आपके कुछ मोच मोच आ गई या फिर खींच फिंच गया, तो जो आपको स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करके आपके जो ठीक करते हैं ना, उनको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। तो आपका बीपीटी का 4.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी यार आपके मेडिकल की। अब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि आप सीधा 12th के बाद दे सकते हो, आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की जरूरत नहीं होती, डिग्री की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने 10-12 कुछ लिखी हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहली यार आपकी SSC का स्टेनोग्राफर होता है, ग्रेड सी का, ठीक है। अब एक स्टेनोग्राफर क्यों होता है, जो कि मिनिस्टर वगैरह के साथ रहते हैं ना, जो उनकी स्पीच वगैरह लिखते हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उससे पहले ब्रीफिंग वगैरह देते हैं, ठीक है, उसको स्टेनोग्राफर बोला जाता है। या फिर उनका जो PR का काम थोड़ा संभालते हैं मिनिस्टर्स वगैरह का या ऑफिसर्स वगैरह का, उनको बोलते हैं। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी, ठीक है, स्टेनोग्राफर में दो होते हैं। तो यहाँ पे इनकी पे स्केल दे रखी है यार मैंने, आपको दिख रहा होगा 9,300 से 34,800, ठीक है, ये 6th पे कमीशन के उस पे दे रखी है मैंने। बाकी फिर आपका लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, हायर डिवीजन क्लर्क होता है, उसके बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, फिर आपका पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, फिर असिस्टेंट लोको पायलट होता है, रेलवे क्लर्क और कॉन्स्टेबल होते हैं, फिर आपकी जो डिफेंस सर्विसेज हैं, ठीक है, BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, इनके अंदर भी जॉब्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इंडियन आर्मी हो गई, कोस्टल गार्ड्स हो गए वगैरह, तो काफी सारी हैं, टिकट कलेक्टर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसी काफी जॉब्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स। पहली बात तो मैं प्रेफर नहीं करता कि आप सीधा 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब ले लो, आपको डिग्री लेनी अच्छी जरूरी है, मतलब मस्ट है, बट हो सकता है काफी व्यूअर्स की मतलब अपनी कंडीशंस हों, अपनी सर्कमस्टांसेस हों, तो उन सभी लोगों के लिए ये सारी हैं जो कि जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन पे अगर और खोल के वीडियो बनाना है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं प्रॉपर बना दूंगा कि भाई इनके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, जनरल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इनकी पे स्केल क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे यार आपका गवर्नमेंट जो सर्विसेज है और जो NDA वगैरह है, यहाँ पे आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि भाई हाइट इतनी हो, वेट मिनिमम इतना हो, आईसाइट इतनी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मैं इनको अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इन पे खोल खोल के वीडियो बना दूंगा। अभी अगले एक महीने के लिए, मतलब पिछले 3-4 दिन से अगले एक महीने तक मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो वीडियो डालने की स्पीड उतनी नहीं रहेगी, मतलब मैं डालूंगा हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल दूंगा, बट एग्जाम चल रहे हैं यार तो थोड़ा प्रेशर है, तो मैं इतने नहीं डाल पाऊंगा, बट एक महीने में 3-4 वीडियो डाल दूंगा, जो कि सबसे ऊपर वाले कमेंट्स होंगे उनमें से किसी उन्हीं में से मतलब 3-4 वीडियो डाल दूंगा, और उसके बाद दे देना आपके सारे डाउट कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यार सारी चीजें कवर हो गई हैं, होपफुली आपको थोड़ी एक खुल के इमेज मिल गई होगी। और भी काफी कोर्सेज हैं यार, BCA वगैरह, BCA बेसिकली कंप्यूटर्स का एक कोर्स होता है, ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है कंप्यूटर साइंस, जिसमें कोडिंग मोडिंग सीखनी होती है। और भी 2-3 कोर्सेज हैं मतलब जो छूट छाट गए, उनको मैं आगे कवर कर लूंगा, ठीक है, और इन सब पे और खोल खोल के बनाएंगे, चिंता मत करो। इसका मतलब इस वीडियो का बस एक एम था कि आपको इंडेक्स बता दूं, ठीक है, आपको कुछ करियर ऑप्शन पता चले जो कि अच्छे हैं और आपको जिनके बारे में नहीं पता था, और सही में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर यार देखो इंजीनियरिंग और डॉक्टर हर कोई पेरेंट चाहता है, ठीक है, क्योंकि यार ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा है और रेशियो के साथ साथ जो सैलरी मिलती है वो भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है यही मिले, बट सबको ये नहीं मिल सकता यार, कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है, तो और ना मिले प्लस चाहे आप लेना ना चाहते हो कोई भी फैक्टर हो, और ये जितनी भी चीजें हैं ये अच्छी हैं, ठीक है, आप सोसाइटी में देख रहे हो तो सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्टर और बिजनेसमैन थोड़े ना, आपके चारों तरफ और भी तो सारे प्रोफेशनल वाले लोग हैं और काफी रेप्यूटेटेड अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं सोचना कि भाई ये छोटा काम है या ये बड़ा काम है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी करो मन से करो, बेस्ट करो, कुछ भी करो, पर ये ध्यान रखो कि मैं बेस्ट करूं, मतलब मेरे से अच्छा और कोई ना करे, तो आपको पैसे भाग भाग के आएंगे वहां पे, ठीक है यार। तो प्लस यार एक वो भी कर रहे हैं हम कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब कि एक NGO तो नहीं बोलेंगे उसे, बट कुछ है जहाँ पे हम जो गरीब बच्चे होंगे यार उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे 25-30 बच्चे इकट्ठा हो पाए हैं, तो वो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, मतलब 3rd class के भी होते हैं, कुछ 6th class के भी हैं, कुछ 9th class के भी हैं, कुछ 11th class के भी हैं, अलग अलग के हैं, और उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। मतलब आप देखो यार, अगर आप सोसाइटी को फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन कर दे दो, तो वो आपका मतलब बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हो अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए, ठीक है। उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता कि आप फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे दो, ठीक है।
तो अभी तो मेरे को हेल्प की जरूरत नहीं है, बट आगे आपकी हेल्प की जरूरत हो सकती है। फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, मतलब आप में से ही कोई वॉलंटियर करे कि भाई मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आ सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी जरूरत नहीं है, बट अभी तो एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, मैं ज्यादा कर भी नहीं पा रहा हूँ, पर आने वाले 2-3 महीनों में मतलब मेरे को हो सकता है जरूरत पड़े तो मैं बोलूंगा किसी एक आध वीडियो में। तो वहां पे अगर आप इंटरेस्टेड हो, टाइम है वो आपके पास, तो आप बता सकते हैं, फिर मतलब हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे अगर आप आसपास रहते होगे तो, और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यार अगर चाहे आप वहां ना पढ़ा पाओ, आप किसी एनजीओ में ना पढ़ा पाओ, आप एक साथ 40-50 बच्चों को चाहे ना पढ़ा पढ़ाओ, ठीक है, बट आप चाहे अपनी मेड है, ठीक है, आपकी मेड आती है, अगर आप उसके बच्चे को भी पढ़ा दो ना, चाहे आधा घंटा पढ़ा दो, 1 घंटा पढ़ाओ, हफ्ते में 1 घंटा पढ़ा दो चाहे आप, ठीक है, तो अलग ही चीज होगी। एक तो वो मेड बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है, मतलब वो खुद ही, मतलब जो चीज वो साफ नहीं करती थी ना, वो भी साफ करके जाएगी, ठीक है, मतलब साफ नहीं करेगी, गंदगी को साफ कर देगी, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मतलब आपने पढ़ा दिया, तो ठीक है, मतलब पढ़ाना यार कुछ नॉलेज बांटने से आपका कम नहीं होती, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। तो ये चीज आप छोटी छोटी चीजें यार कर सकते हो अगर आप, मतलब बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। और चलो चलते हैं यार, वीडियोस कवर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना आपको सबसे पहले क्या चाहिए इनमें से, और चलो चलते हैं, सी या, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।